तो सब चैनल वाले भाई भाई हाँ चालू है ये भाई ये भाई थोड़ा सा पीछे हो रवि भाई थोड़ा वहाँ से सांगितलं So we request all of our guests to come and take their place. भाई
जाएंगे तो कैसा लगेगा? इधर क्या बात है? हिंदी आगे जाना पड़ेगा। योगेश I would request all and everyone to please take the seat. The Honorable CM has already got the rules for you will be here any time. आदित्यनाथ मुंबई दो दिन के दौरे पर पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के ताज होटल। नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उत्तर प्रदेश वाकिफ है और उसी कड़ी में आज ये लास्ट आपकी जो है बैठक हो रही है। अनिल कुमार जी, हु इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, टू मेक द ओपनिंग रिमार्क्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। थैंक यू। आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ये जितना नंबर यूपी में है उतना किसी और स्टेट में नहीं है। सो यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ शूटिंग लोकेशंस, प्लेंटी ऑफ डेस्टिनेशंस वेयर यू कैन डू योर शूटिंग। सो ये पोटेंशियल को देखते हुए ही फिल्म सेक्टर को भी हम लोगों ने एक पोटेंशियल सेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एंड टू एंड एक्टिविटीज विच पर्टेन टू द फिल्म सेक्टर। एक जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है वो है एक फिल्म सिटी की परिकल्पना की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही के समक्ष ये घोषणा की थी और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्री से भी किया, डिफरेंट प्लेयर्स से किया है जो भी फिल्म जगत से जुड़े हैं और प्रोडक्शन से जुड़े हैं रखी हैं, और उसमें यहाँ भी हम लोगों ने अलग से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी की हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें और वो एक अच्छा डेवलपर हम लोगों की कोशिश है कि उसको लेकर के आएँ, जिससे ये जो 1,000 acres का हम लोगों ने एरिया एयरमार्क किया है विच इज़ वेरी क्लोज टू जेवर, जेवर इज बिकमिंग दैट एज ए मेजर फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन एंड ए फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन। इसमें अम्यूजमेंट पार्क से लेकर के साईफाई पार्क जितने भी आप परिकल्पना कर सकते हैं उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने दी है। एंड मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो हमारी विद है उसके ऊपर जस्ट हैव ए लुक एट इट,
एंड फील फ्री. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी के इन्वेस्टमेंट पर फिल्म तुरंत. A picturesque location adds to the charm of storytelling on screen. Every location in Uttar Pradesh speaks for itself. With awarded as the most film-friendly state in the country, Uttar Pradesh has all the flavors to make a perfect film. The state has everything that a good movie needs. Cultural attractions, heritage structures, scenic beauty, and holy pilgrimage sites. From Ayodhya to the sacred city of Kashi, from Taj Mahal to Prayagraj, from Mathura, the birthplace of Lord Krishna, to the historic city of Jhansi, there are many shooting destinations that top the wish list of filmmakers. Many popular Bollywood films like Jolly LLB 2, Gulabo Sitao, Gunjan Saxena, The Kargil Girl, Bareilly Ki Barfi, Mom, Prasthana, शादी में जरूर आना, सोनू की टीटू की स्वीटी, नील बटे सन्नाटा, तनु वेड्स मनु, उमराव जान, बाला आर एविडेंट ऑफ दिस. टू ऑगमेंट द प्रोसेस, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव बेस्ड फिल्म फ्रेंडली पॉलिसी. फिल्म मेकर एक नया लोकेशन नई बातें और महाराज जी आप हमेशा सम्मान करते हैं. और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि जिस हिंदी भाषा हिंदी हार्टलैंड पे बन रही फिल्मों का स्वागत आप करने के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का आपने जो एक 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 तोहफा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है, जो बॉलीवुड जो हिंदुस्तान बॉलीवुड जिसको मैं हिंदी सिनेमा कहता हूँ जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पर और करीबन आपकी ये सब्सिडी की वजह से 100 से 125 फिल्में की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है. तो महाराज जी धन्यवाद आपका कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे सिनेमा जगत जहाँ से मैं आता हूँ दिनेश बाबू आते हैं जहाँ से मेरी पहचान बनी उसके लिए आपने और लाखों लोगों को रोजगार देने और लाखों जैसे हम जैसे लोग आके जो स्ट्रगल करते रहे उन लोगों को अपने घर के पास एक नया स्थान मिलेगा रोजगार में. जो पूजनीय महाराज जी ने लगातार प्रयास किया और सुविधाएँ दी यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति हुई है ये मैंने बहुत सालों से नहीं देखी जो कि मैंने कुछ सालों में देखी है. और ख़ासकर जो आपने फिल्म सिटी ये बड़े ही प्रण से और लगन से इसको पूरा विस्तार रूप दिया है. साथ में मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि यूपी के बच्चे भी जो हैं वो कलाकार एक ट्रेंड कलाकार बने ट्रेंड टेक्नीशियंस बने और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं. उसकी भी एक सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत है हार्ड पावर के साथ साथ ये मेरा कहना है. धन्यवाद. मैं सर मैं शिवाशीष सरकार ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया. ऑनरेबल सीएम सर वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी एंड कॉलिंग अस हियर. The first important thing is that on behalf of all the producers in the Hindi film industry, we are really thankful that you have given us an opportunity to think, decide and speak that what can be done and what we can do on behalf and you have opened up the doors of the UP as a state. There are a lot of things and the initiatives what we are seeing and what we are seeing here which really is amazing. There are two or three ways or different ways a state can be an attracting power. It can be either through the infrastructure, the kind of studio facilities, the kind of infrastructure you are building. Taking the cue from what Shubhashji was saying, that along with the infrastructure, you have to build up an ecosystem of people and the skill. And our industry and our people from here can play an active role. Whether setting up in film schools, animation schools, any kind of skill sets, we have done that for a lot of years. The second way of attracting talent and building up an overall ecosystem is, which also I think the pivotal role has been played through the incentives and subsidies. But probably a time will come to look at those upper caps because many point of time a large investment of hundreds of crores of claims probably will not decide by a level of 1 crore, 2 crore kind of a limit. We can discuss offline and can think through.
And the third point on behalf of the guild, the request is that that Shilpa Bandhu has been doing wonderful with the industry and our industry. But that line of demarcation between television production, OTT production and film production, if that can go, because all sectors of productions are, in today's world, the significant amount of productions are happening in OTT as well as TV, as well as film. Thank you. Sir, we'll make an important announcement on OTT, so just wait. Next. Namaste sir. Ashish Singh, Laika Productions, South-based company hai. मुझे सौभाग्य हुआ है इससे पहले यशराज फिल्म्स नेटफ्लिक्स में काम करने का, तो नॉर्थ और साउथ दोनों का एक्सपीरियंस मेरा है लकीली. जब मैं यशराज में था तो यूपी में हमने बहुत शूटिंग की और बहुत मज़ा आया. सौभाग्य से हमने ऑलमोस्ट 35 कंट्री में शूट किया इससे पहले, बट यूपी एज अ स्टेट में जो शूटिंग करने का जो माहौल है और जो अपनापन है वो बहुत कम. अब मेरा एक पैर साउथ में भी है, तो साउथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है यूपी एज अ स्टेट शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. एज अ स्टेट एवरीबडी नोज, लोकेशन सबको पता है, यूपी की सब खासियत सबको पता है, बट फिल्म बंधु अगर एक इनिशिएटिव ले और साउथ में भी जाके छोटे मोटे रोड शो करे, हैदराबाद में जाके, चेन्नई में जाके, क्योंकि वो उनकी भी फिल्में बहुत बड़ी बन रही हैं. धन्यवाद. थैंक यू. नेक्स्ट. नमस्कार सर. नमस्कार सर, माय नेम इज मानस सिंह, आई एम फ्रॉम सोनी पिक्चर्स एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई एम ऑफ कोर्स सिटिंग विद लॉट ऑफ माय सीनियर्स ओवर हियर. ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हमने हाल ही में एक पिक्चर शूट की थी सोनी के लिए यूपी में, और हमारा एक्सपीरियंस है आशीष भाई ने कहा बहुत अच्छा रहा है. हम आगे जाके दो या तीन पिक्चरें और अगले साल में करने वाले हैं यूपी में शूट. एंड इसके अलावा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, हमारे लिए काम करने का तरीका आसान हुआ है, वो बहुत ही हेल्पफुल है. एंड जितनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा. थैंक यू. नेक्स्ट. नमस्कार सर, तेज करण फ्रॉम जियो स्टूडियोज, आई हैंडल द ओरिजिनल्स. हमारी तीन सीरीज बहुत सक्सेसफुली फिनिश हो चुकी हैं शूट यूपी के अंदर, एंड इट वॉज अ ब्री शूटिंग देयर, सो थ्री आर ऑलरेडी डन, फोर कर सकते हैं, वरना वही सेम दिखेगा जो हमेशा दिखता है. श्योर, वील वर्क विद दैट. थैंक यू. नेक्स्ट. मेक इन यूपी बेटर गोल है, उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एजुकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की ज़रूरत है, हाई स्कूल एजुकेशन में क्रिएटिव आर्ट्स की ज़रूरत है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम प्लान देख रहे हैं, और तीसरा पॉलिसी है जो ऑलरेडी आ चुकी है और डेवलपमेंट्स हो सकती है. एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट सुभाषजी ऑल्सो सेड इज लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, ये चार सिटीज से हर जगह से स्टोरीज बनाए, हर जगह से स्टोरी टेलर्स को एनेबल करें, और अभी विद दिस फोकस ऑन द फिल्म सिटी एंड द एसोसिएटेड फोकस ऑन बिल्डिंग यू नो अ वेरी अट्रैक्टिव एंड अ वेरी बेनिफिशियल डेस्टिनेशन फॉर स्टोरी टेलर्स, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, नॉट जस्ट फॉर क्रिएटर्स बट फॉर ऑडियंसेस एज़ वेल. सो थैंक यू वेरी मच. सर एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा, फिल्म जो सिटी है उसमें फिल्म इंस्टीट्यूट भी प्लान है, सो इट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द फिल्म. यहाँ पे लखनऊ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोडक्शन के लिए तो सब यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, तो दे आर द बेस्ट टू डिसाइड, बट इतना बड़ा आपका स्टेट है हिंदी स्पीकिंग, बट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हैपेंस ओनली 6%, तो आप ज़रा मतलब अब देने की बात कर रहे हैं, थोड़े लेने की भी बात कीजिए, और थोड़े थिएटर्स पे आप सपोर्ट कीजिए, तो GST रेवेन्यू भी मिलेगा. कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड थॉट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट. नमस्ते महाराज जी, सोनू निगम बोल रहा हूँ. अपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं. मैं ये कहूँगा कि मैं, मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में, तो मेरे तो तीनों से संबंध है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं, और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा आपकी नीयत और आपके प्यार को, और आपके जैसे बोनी जी ने कहा, सबसे अच्छी बात यह कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है, और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर यूपी में जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग. थैंक यू. कैलाश जी. हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात हो रही हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं,
बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरु जी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा। और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीए के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना। खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग, तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे। आओ 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो। हरिओम। थैंक यू द्विवेदी जी। से आप शुरू करेंगे इधर से सीनियर लोगों से। चंद्र प्रकाश जी, महाराज जी प्रणाम। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। खत्म होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और भीड़ से बचने के उपाय ढूंढने होंगे कि जहां भी हिंदी फिल्म का बड़ा अभिनेता जाता है वहाँ भीड़ की व्यवस्था वो उस पर नियंत्रण रखा जा सके, तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक लोग। थैंक यू मनोज जी। आप शुरू करें, आप बोले आपके बाद में जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अपना परिचय ये देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी में जन्मा, वहाँ पला बढ़ा, माँ मुंबा की नगरी आया जहाँ बड़े उन्मुक्त तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जो भी जहाँ पहुँचाया मुझे। एक दो बातें जो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए। और जब मैं चौतरफा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री। आज जब मैं देखता हूँ कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लग जाते थे एक ज़माने में, मैंने वो दौर देखा है। आज एक्सप्रेसवेज हैं सबसे ज़्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का आलम यह है, छोटा मोटा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में, बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज़ है जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश 0 है, और वो है 0 tolerance towards crime। वो हम 0 ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के कि आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं, तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने कदम कदम पर उनके वर्दी वाले भाई नियुक्त कर रखे हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक जो शुरुआत हुई है, अभी सोनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया महाराष्ट्र से, मैं कहता हूँ ये आपने दादा साहब फाल्के ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया। 1913 में उन्होंने पहली पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और जो नायक चुना आपने पिक्चर का वो राजा हरिश्चंद्र थे जो उत्तर प्रदेश के थे, झवाकू वंश के थे। तो ये कनेक्शन तब का है, तब से आज तक ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने हमारी अपील पे, हमारी गुहार पे, हमारी पुकार पे फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। मैं चाहता हूँ जितने भी गतिरोध हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं वहाँ आना, वहाँ काम करना। इन सब की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सुना जाए और जितनी जल्दी हो सके पूरे पैशन के साथ फिल्म सिटी गतिमान हो और हम सब वहां आए और शूटिंग करें। बस मेरी इतनी सी इच्छा है, मैं जानता हूं ये बहुत जल्दी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है, मैं फिल्म निर्देशक हूँ, मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ
इसके पहले एक तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, अब हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार के उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने भी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन्स हैं। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन्स है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग कहें जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन वो टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरस यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देर इज ए ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड इफ आई लुक एट द पोस्टल कोड्स, 1631 पोस्टल कोड्स इन उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ विच 174 ओनली हैव एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स। सो मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सकें, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं निर्माता राहुल मित्रा, आपसे भेंट करने का अवसर बहुत बार प्राप्त हुआ। पहली दफ़ा 2018 में जब आपने पहली दफ़ा मुंबई में रोड शो किया तो वहाँ पे आपसे भेंट हुई थी, और जो सुझाव उस समय आपको आपके साथ शेयर किए वो सारे के सारे पूरे हुए, और उन सुझावों को आपने इंक्लूड किया पॉलिसी में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं क्या बोलूँगा, काफ़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो का एक इम्पॉर्टेंट शूट हो रहा था, सीरीज जो भी आने वाला है, और लोकेशंस को लेके कुछ हल्की दिक्कत थी, और मैंने आपसे समय मांगा और हम लोग आए वहाँ पे। तो मैं तो ऐसे किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता जो लोकेशंस के लिए भी प्रोड्यूसर्स को और एक्टर्स को मिलते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इससे बेहतर पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को अक्सर मिलता है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के लिए। उसके मैं समाप्त करने के लिए तीन चीज़ें मुझे जो समझ में आती हैं आपके मार्गदर्शन में क्या हुआ है, कि एक तो आपने इंसेंटिवाइजेशन की जो इंसेंटिवाइजेशन है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और तीसरा सेंसिटाइजेशन। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोगों को काफ़ी बुलाया जाता है लेकिन सिर्फ कागज़ के ऊपर पॉलिसी रह जाती है। उत्तर प्रदेश केवल एक प्रांत है जहाँ पे ना सिर्फ सरकारी सीनियर ऑफिसर से लेके नीचे एजेंसी सभी लोग ईज फॉर शूटिंग, और इस तरह से मोस्ट फ्रेंडली स्टेट उत्तर प्रदेश इसी वजह से। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ एक सुझाव है कि OTT, जैसे यहाँ पे शिवशिष ने कहा, मेरे कुछ और मित्रों ने कहा, OTT के वो जरूर शामिल कीजिए अपनी पॉलिसी में, क्योंकि OTT में बहुत सारे सीरीज बन रहे हैं, और OTT और फिल्मों में मुझे लगता है कि बहुत जो डिवाइड है वो बहुत कम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय की